राजस्थान की पाली जिले में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी तक होने जा रहा है, जिसमें उदयपुर जिले के संभागीय की सहभागिता एवं प्रतियोगिताओं की आवश्यक तैयारियां और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करने हेतु सोमवार को जिला परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम ने बताया कि बैठक में आवश्यक तैयारियां एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। गौतम ने बताया कि साजन को लेकर सरकार की ओर से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें साफ किया गया है कि इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे में तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें स्काउट गाइड टीमों द्वारा की गई अब तक की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई और साथ ही कहा कि जो कमी रह गई है उसे जल्द से जल्द दूर करने की बात कहें, जिससे कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उदयपुर संभाग अच्छे से परफॉर्म करे। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में जम्बूरी अधिवेशन का आयोजन रोहट पाली में राजस्थान में होना है। जनवरी मंथ में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इसका प्रतिनिधित्व इस बार कर रहा है। इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि नेबरिंग कंट्रीज के स्काउट गाइड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन है और राष्ट्रीय स्तर से हमें गाइडलाइन प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए टीमों का पंजीकरण और उसके बाद में उन टीमों के द्वारा क्या गतिविधियाँ की जानी, तो उसके लिए एक विशेष तैयारी करवाई जा रही है। उसी के क्रम में आज मीटिंग आयोजित की गई थी कि अभी तक कितना काम हो चुका है, कहाँ पर कमियाँ हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उनको फ्लैग करते हुए उन कमियों को पूर्ति कराना और बेस्ट हम परफॉर्म करें। उदयपुर मंडल को काफ़ी जिम्मेदारियाँ इसमें दी गई है और मेरा मानना है कि उदयपुर चूँकि ट्राइबल प्रतिनिधित्व भी करता है, ट्राइबल बेल्ट का भी प्रतिनिधित्व करता है, काफ़ी अच्छी तैयारियां अभी तक हमने कर ली है और कुछ कमियां जो हैं वो आइडेंटिफाई होके उस पर भी अच्छे से काम कर लिया जाए।